और इस बीच लोकसभा चुनाव के सातवें और आखिरी चरण की वोटिंग को लेकर बड़ी खबर आपके सामने। आज 8 राज्यों की 57 सीटों पर हो रहा है मतदान। आखिरी चरण के लिए चुनाव मैदान में 904 उम्मीदवार हैं। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज वोटिंग हो रही। 4 जून को आएंगे लोकसभा चुनाव के नतीजे। इस बीच आज अंतिम चरण के लिए वोट डाले गए। तो 4 जून को आएंगे लोकसभा चुनाव के नतीजे। आज आखिरी फेज की वोटिंग है। आज वोटिंग खत्म हो जाएगी और उसके बाद शाम को एग्जिट पोल का सबको इंतजार रहेगा। लेकिन इसमें भी एक डेवलपमेंट यह हुआ है कि एग्जिट पोल की डिबेट से कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है बहिष्कार। देखिए, अलग अलग सीटों पर मौजूद तैनात TV9 भारतवर्ष के हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त स्क्रीन पर नजर आने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा पहुंच चुके हैं वाराणसी पीएम के संसदीय क्षेत्र में। रूपेश कुमार पटना से हमारे साथ लाइव हैं। कुमार कुंदन गोरखपुर से हमारे साथ हैं। रविशंकर दत्ता कोलकाता से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। चंडीगढ़ की लोकसभा सीट पर भी चुनाव हो रहे हैं। मोहित मल्होत्रा वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हरपिंदर हमारे सहयोगी संगरूर पंजाब से इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। तो तमाम संवाददाताओं के पास चलेंगे और साथ ही साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार और लेखक समीर चौगांवकर भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले आमोद, मैं आपके पास आऊंगा। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में वो मौजूद है, लेकिन राघव चड्ढा देखिए इस वक्त क्या कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। पंजाब में 13 की 13 सीटों पर आज वोटिंग होनी है। राघव चड्ढा को सुनते हैं। आज लोकतंत्र यानी कि भारत देश का महापर्व है। आज आम चुनावों यानी कि लोकसभा 2024 चुनाव का आखिरी वोटिंग फेज है। आज भारतवासियों द्वारा दिया गया एक एक वोट ये तय करेगा कि इस देश की दिशा और दशा क्या होगी। लोगों के लिए बने स्कूल, अस्पताल, स्कूली शिक्षा, दवा दवाई, इलाज कैसा होगा और हमारे देश का लोकतंत्र कितना मजबूत होगा, ये आज वोट की ताकत से देश की जनता तय करेगी। ये वोट देने का अधिकार बहुत लंबे संघर्ष के बाद हम सब भारतवासियों को दिया गया। मैं आज हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा, प्लीज एक्सरसाइज योर राइट टू वोट। गर्मी बहुत है, छुट्टी का भी दिन है, लेकिन आज अगर हम वोट देने से चूक गए तो 5 साल तक फिर ये वोट देने का मौका नहीं आएगा, अपनी सरकार चुनने का मौका नहीं आएगा। जितना वोट आप लोग देंगे, घरों से निकल के जनता जितने वोट डालेगी, उतना मजबूत हमारा लोकतंत्र होगा। और खास तौर पे मैं पंजाबियों को कहना चाहता हूं, अपने पंजाब सूबे के वोटर्स को कहना चाहता हूं कि ऐसी पार्टी को, ऐसे नेता को वोट दीजिएगा जो सांसद बनने के बाद भारत की पार्लियामेंट में जाकर आपकी आवाज को, पंजाब के हकों की आवाज को मजबूती से उठाए, बुलंद करे। पंजाब के पानी से लेके पंजाब की किसानी तक, पंजाब की जवानी तक, हर मुद्दे को मजबूती से उठाए। बस इसी के साथ साथ सबसे यही गुजारिश है कि वोट डालें, भारी से भारी तादाद में अपने घरों से निकलें। अपने देखिए, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को आप सुन रहे थे। उन्होंने अपना वोट डाला है और पंजाब में विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी की जो बड़ी जीत हुई उसके बड़े हीरो के तौर पर भी राघव चड्ढा को देखा जाता है। लोकसभा चुनाव में क्या करती है पार्टी, क्या करती है कमाल, देखने वाली बात होगी। हिमाचल प्रदेश से ये अहम तस्वीरें आपके सामने हैं। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा इस वक्त वहां पर हमें नजर आ रहे हैं। आमोद राय हमारे सहयोगी भी इस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आमोद, JP नड्डा हमें तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, वोट डालने के लिए वो पहुंचे हुए हैं। वहां से बताइए जरा, इस बार कितनी कांटे की टक्कर हिमाचल प्रदेश में नजर आ रही है, वोटर्स का रुझान कैसा है?
देखिए समीर, जेपी नड्डा अपने गांव विजयपुर में आए हुए हैं, वहीं पर वोट डालने आंगनबाड़ी केंद्र है जहां पे वो वोट डालने अभी आए हैं और जहां वोट डालने अभी क्यू में खड़े हैं, आगे बढ़े हैं, अब वोट डालने जा रहे हैं। ये विजयपुर है और विजयपुर जो है यहां के ये लोकसभा क्षेत्र अनुराग ठाकुर का जो क्षेत्र है हमीरपुर उसके अंतर्गत आता है और अभी वोट डालने आए हैं और सुबह पहाड़ में छोटे छोटे केंद्र होते हैं और मैं जो देख रहा हूँ 100-100 लोग सुबह सुबह यहाँ लाइन में लगे हुए हैं और जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो वोट डालने यहाँ पे आए हैं। और हिमाचल में जो 4 सीटें हैं उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है उसमें से एक सीट है हमीरपुर, जहाँ से खुद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सांसद हैं और यहाँ वोट खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा डालने आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वोट की महत्व और महत्ता क्या है, इस बात को बीजेपी के बड़े से बड़े नेता बखूबी समझते हैं और कोई भी नेता वोट डालने की का जो अपना अधिकार है उसको छूटना नहीं चाहता और अपने सारे व्यस्त कार्यक्रमों को छोड़कर अपने दायित्व को थोड़ी देर विराम देकर खुद बीजेपी अध्यक्ष आप देख रहे हैं कैसे वोट डालने आए हुए हैं। तस्वीरों के जरिए आप मुद्रा दिखा रहे हैं। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट वाराणसी में। मौजूद है हमारे सहयोगी पंकज झा। पंकज, वाराणसी में मुकाबला कैसा नजर आ रहा है इस बार? इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं अजय राय, उनकी तरफ से हालांकि बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी का यह कहना है कि जीत का मार्जिन बढ़ाने की बस हमारी कोशिश है, जीत तो तय है। इस बार वाराणसी के वोटर्स का मिजाज कैसा नजर आ रहा है आपको? देखिए, इस बार जो मुकाबला है और अजय राय जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के साथ इस बार उनका गठबंधन है और पिछली बार देखिए तो नरेंद्र मोदी यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर 4.5 लाख वोटों के अंतर से वो चुनाव जीते थे। उससे पहले अगर हम 2014 चलें तो 4.25 लाख वोटों के अंतर से वो चुनाव जीते थे। बीजेपी का टारगेट इस बार जो है वो कहा जा रहा है कि 10 लाख वोट का अंतर होना चाहिए। हालांकि ये थोड़ा सा मुश्किल काम है और यहाँ पर एक ऐसी सीट है वाराणसी जिसके बारे में लोग कहते हैं नतीजे तो पहले से पता है, बस ये देखना है कि आखिर नरेंद्र मोदी की जीत कितने बड़े अंतर से होती है। और लगातार 4थी बार चुनाव लड़ रहे हैं यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं अजय राय, 2009 में लड़े, 2014 में, 2019 में, और 3 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मैं जिस बूथ पर खड़ा हूँ वहीं पर अजय राय का वोट भी है। तो हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा बता रहे हैं वाराणसी में किस तरीके का माहौल है, क्योंकि वीवीआईपी सीट है वाराणसी, प्रधानमंत्री मोदी खुद 3री बार चुनावी मैदान में है, ऐसे में वहां का अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पटना का रुख कर लेते हैं, रुपेश कुमार हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि बिहार की कई सीटों पर आज मतदान हो रहा है अंतिम चरण में। रुपेश, वहां पर क्या माहौल आप देख पा रहे हैं? कई वीवीआईपी तो इस बार चुनावी मैदान में आखिरी चरण में, उनकी किस्मत पर भी फैसला होना। जी हाँ बिल्कुल, देखिए प्रतिमा, 8 लोकसभा सीटों पर आज चुनाव हो रहा है, आज आखिरी चरण में, और कई वीवीआईपी हॉट सीट हैं, कई वीवीआईपी उम्मीदवार भी हैं। अगर पटना साहिब की बात करें तो रविशंकर प्रसाद हैं, पाटलिपुत्रा की बात करें तो रामकृपाल यादव हैं, लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती हैं, और काराकाट सीट से उपेंद्र कुशवाहा हैं, पवन सिंह हैं, आरा सीट्स की अगर बात करें तो वहाँ आर के सिंह केंद्रीय मंत्री हैं। तो ये आखिरी चरण है और आखिरी चरण तक तमाम दलों ने, तेजस्वी यादव ने 250 से ज़्यादा यहाँ पर रैलियाँ की, नरेंद्र मोदी ने 16 रैलियाँ की, तमाम जो बड़े नेता हैं, हालांकि राहुल गांधी ने कम रैलियाँ की, 2 बार वो बिहार आए, उन्होंने मात्र 3 रैलियाँ की हैं। अभी हम जिस मतदान केंद्र पर खड़े हैं वहाँ पर लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार यहाँ पर वोट देने आने वाला है, वेटनरी ग्राउंड। नीतीश कुमार भी आज वोट करेंगे, लेकिन वो बख्तियारपुर में जो उनका पैतृक जो गाँव है वहाँ पर वो वोट करेंगे, बख्तियारपुर। बिल्कुल बिल्कुल रुपेश, बने रहे आप हमारे साथ, जल्दी से हम रुख कर लेते हैं चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्होत्रा, बड़ा दिलचस्प मुकाबला यहां पर इस बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट की टक्कर इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट मनीष तिवारी, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता जिनके रोड शो में पहुंचते हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की राहें जुदा नजर आती हैं पंजाब की 13 सीटों पर, लेकिन चंडीगढ़ में दोनों साथ हैं। मुकाबला कैसा है?
देखिए चंडीगढ़ में बेहद ही दिलचस्प मुकाबला है और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस यहाँ चंडीगढ़ में तो एकजुटता की बात कर रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार मनीष तिवारी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ से 10 किलोमीटर आगे आप बढ़ेंगे पंजाब की सीमा में तो पंजाब में जाकर पूरे राजनीतिक समीकरण बदल जाते हैं। वहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज़ पंजाब में दिखाई नहीं दे रही है। आपको जल्दी से ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर एक पोलिंग स्टेशन है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है वेलकम टू फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी और अंदर जी रेड ये मोहित तस्वीरें दिखा रहे हैं पोलिंग बूथ की, किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां की गई है वोटिंग के मद्देनजर। मोहित आप लगातार हमारे साथ बने रहे, ये तस्वीरें आप हम तक पहुंचाते रहे, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। लेकिन स्टूडियो में भी बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है जयशंकर जी, आपसे ये समझना चाहूंगी चूंकि आज अंतिम चरण का मतदान है, तमाम मुद्दों पर इस दौरान बात होती रही, पहले चरण से आखिरी चरण तक की बात करें, लेकिन आज आपको क्या लगता है जो पिछली बार का परफॉर्मेंस दलों का अलग अलग वो रिपीट होगा, उसमें कोई बड़ा बदलाव होगा या फिर मिला जुला हम देख सकते हैं नतीजे? नहीं पता नहीं, जो सूचनाएं आ रही हैं उससे तो लग रहा है कि बदलाव होगा। अब किस तरह का बदलाव होगा, किस लेवल तक का होगा, ये देखने वाली बात होगी। और खासतौर से एक जो अभी सबसे बड़ी बात उभर करके आई है कि अब चुनाव आयोग को भी सोचना पड़ रहा होगा या जो सरकार में बैठे लोग हैं उनको भी सोचना पड़ रहा होगा कि 7 चरणों में चुनाव कराया वो बड़ा गलत फैसला था। इसको 3-4 चरणों में निपटा देना चाहिए था क्योंकि गर्मी चरम छू रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उत्तर भारत के सारे इलाकों में। जिस ढंग से लू की चपेट हो रही है, मतदाता बहुत कम संख्या में निकल करके आ रहे हैं। जो लोग सोच रहे थे अभी सुबह का वक्त है, इस समय तो टेम्परेचर डाउन है, लेकिन इसके बावजूद नेता तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन लंबी कतारें कहीं नहीं दिखाई दे रही। हो सकता है कि हमारे कैमरामैन या रिपोर्टर उस तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल जयशंकर जी, ये बात आपने सही कही और तमाम बड़े नेताओं की तरफ से भी समीर चौगांवकर जी इसका जिक्र हुआ है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, बार बार अपील की जा रही है कि वोटर्स फिर भी अपने घर से जरूर निकलें, वोट कास्ट करें। अब तक जो वोटिंग का परसेंटेज रहा है वो भी कुछ कहानी बयां करता हुआ नजर आता है क्या समीर जी? देखिए समीर जी, आज 7वें चरण का मतदान हो जाएगा। 42 दिन का यह चुनाव प्रचार अभियान रहा है। 19 अप्रैल को जब वोटिंग शुरू हुई थी, मुझे लगता है एक बड़ा लंबा चुनाव अभियान रहा है ये सभी पार्टियों के लिए। गर्मी जरूर है और राजनीतिक गर्मियां भी रही, आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, मतलब कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जिसने गर्मी को बढ़ाया है। मुझे लग रहा है मतदान प्रतिशत बहुत ज़्यादा गिरा नहीं, जो आकलन किया जा रहा था कि मतदान प्रतिशत बहुत कम हो रहा है 2019 की तुलना में। जब फाइनल आंकड़े बाकी अभी जब चुनाव आयोग ने जारी किए थे 5वें चरण तक के, मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आई। ये बात सही है कि गर्मी बहुत ज़्यादा और गर्मी के कारण लोग चुनाव मतलब वोटिंग करने के लिए दिन में निकल नहीं पा रहे, इसके कारण कुछ कम हुआ होगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो 2019 में मतदान रहा था 7वें चरण में भी वहीं पर रहने वाला है और ओवरऑल मतदान का प्रतिशत 1 या 1.5% से ज्यादा मुझे लगता नहीं कि इसमें गिरावट दर्ज होगी। बिल्कुल, और आखिरी चरण में हम ये उम्मीद करेंगे और TV9 भारतवर्ष ये अपील भी करेगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट जरूर करें। अगर आपके क्षेत्र में वोटिंग है तो वोटिंग राइट का इस्तेमाल जरूर करें। प्रधानमंत्री मोदी की जनता से मतदान की अपील, लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़ कर मतदान करें, युवा महिलाएं रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें, मतदान करके लोकतंत्र को जीवंत बनाएं, प्रधानमंत्री मोदी की अपील। और ये देखिए गोरखपुर से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रवि किशन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट 2019 के लोकसभा चुनाव में रवि किशन ने इसी सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राम भुवाल निषाद को हराया था और इस बार समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट काजल निषाद से उनका मुकाबला होना है। और रवि किशन की तस्वीरें आपने देखी गोरखपुर से, तो वोटिंग शुरू हो चुकी है, अलग अलग सीटों का क्या हाल है हमारे संवाददाता हमारे रिपोर्टर्स आपको बता रहे हैं। 7वां चरण आखिरी चरण वोटिंग का और 57 सीटों पर वोटिंग होनी है। ये देखिए मिर्जापुर से तस्वीरें, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, उन्होंने अपना वोट डाला है। मिर्जापुर में इस बार जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है, समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के सांसद रमेश चंद्र बिंद को टिकट दिया है और बीएसपी ने एक ब्राह्मण चेहरा मैदान में उतारा है। हमारे रोविंग एडिटर वाराणसी में मौजूद है और उम्मीदवार है जो वहां से, उनसे बात कर रहे हैं अजय राय से। वो गए हैं और वो निश्चित
वहीं पर जाकर आराधना कर रहे हैं। वहीं जो है पहली बार है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है और कांग्रेस 17 सीटों पर लड़े, क्या लग रहा है आपको? निश्चित तौर से इस बार का परिणाम जनता ने मन बना लिया है गठबंधन के पक्ष में और धुआंधार पोलिंग हो रही है। हर वर्ग हर जात के लोग इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार 4 तारीख को बनने जा रही है। आप यहाँ मंदिर मंदिर दर्शन किए हैं और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में भी ध्यान में हैं। देखिए, ये काशी की परंपरा है। काशी में कोई भी शुभ काम हम करते हैं, चाहे बिटिया की शादी हो, चाहे ये जनता की सेवा का आज व्रत लेना है, जनता की सेवा करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, माँ गंगा के भक्त हैं, तो निश्चित तौर से काशी में तो ये हमारी ये धार्मिक नगरी है। यहाँ का संदेश तो पूरे देश और दुनिया में, यहाँ तो दर्शन पूरी दुनिया के लोग आते हैं करने और वो जाके दक्षिण गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये काशी के ये बाबा के दरबार में और गंगा के तट पर आराधना करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। अगर काशी से लगाव है, प्यार होता तो आप दशाश्वमेध जो 10 अश्वमेध यज्ञ हुए, अकेला स्थान है पूरे इस पृथ्वी पर जहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ हुए, इसलिए उसका दशाश्वमेध नाम है, वहाँ पर बैठकर आराधना करनी चाहिए। तो दक्षिण जाने की जरूरत नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद अजय राय जी, जो कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के साझा उम्मीदवार हैं वाराणसी से और 2009, 2014, 2019 तीन चुनाव लड़ चुके हैं। ये उनका चौथा चुनाव है अजय राय का वाराणसी से। और देखिए कि वो यहाँ पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनका ये चुनाव यहाँ वाराणसी से है वो कन्याकुमारी में ध्यान पर है। तो पंकज झा देखिए हमारे सहयोगी वाराणसी में मौजूद हैं और अजय राय से बात कर रहे थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं इस सीट से। हमारे सहयोगी रूपेश कुमार भी इस वक्त मौजूद हैं, कुमार कुंदन भी गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रविशंकर दत्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं, मोहित मल्होत्रा चंडीगढ़ से हमारे साथ मौजूद हैं और स्टूडियो में दो खास मेहमान समीर चौगावकर जी और जयशंकर गुप्ता जी मौजूद हैं। रूपेश, जल्दी से आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर वोटर्स का रुझान क्या नजर आ रहा है? इसके अलावा बिहार की उन तमाम सीटों पर जहां आज वोटिंग हो रही है वहां से आपके पास क्या रिपोर्ट आ रही है, जरा जल्दी से बता दें। देखिए बिल्कुल, वेटनरी ग्राउंड में हम मौजूद हैं और यहाँ मेरी मौजूदगी के कारण ये है कि यहाँ पर लालू प्रसाद यादव थोड़ी देर में अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ वोट देने आने वाले हैं। ये पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र है, लेकिन यहाँ से रविशंकर प्रसाद उम्मीदवार हैं, उनके सामने मीरा कुमार के बेटे जो अंशुल अभिजीत हैं वो यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। बगल में पाटलिपुत्रा है जहाँ से लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती चुनाव लड़ रही हैं, उनके सामने रामकृपाल यादव हैं, लेकिन कई ऐसे और उम्मीदवार हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हों, आर के सिंह हों या फिर पवन सिंह हो, सबकी आज किस्मत दांव पे लगी हुई है। आखिरी चरण है, सबको लग रहा है कि अंत भला तो सब भला, लिहाजा आज के पहले चुनाव प्रचार में भी सबने आखिरी अपना प्रयास अंतिम प्रयास किया था। राहुल गांधी ने एकमात्र रैली की थी भागलपुर में अपने उम्मीदवार अजीत शर्मा के लिए, लेकिन आखिरी चरण में उन्होंने 3 रैलियाँ यहाँ पर की। मीसा भारती के लिए भी उन्होंने यहाँ पर चुनाव प्रचार किया। तेजस्वी यादव ने सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड 251 यहाँ पर रैलियाँ की, समझा जा सकता है 16 रैलियाँ यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने की, 4 रैलियाँ यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने की, जेपी नड्डा आया, अमित शाह ने यहाँ पर 9 रैलियाँ की। इसी तरीके से अगर आप नीतीश कुमार को देखें, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के मंच पर तो मौजूद रहे लेकिन बिल्कुल वो अलग उन्होंने अपनी रैली की और वो भी 50 से ज़्यादा 61 उन्होंने यहाँ पे रैलियाँ की हैं। तमाम जो बड़े नेता हैं सभी नेताओं ने अपनी अपनी रैलियों के मार्फत से और सबसे ज़्यादा जुबानी जंग यहाँ पे चली है। ठीक है। जो हलचल है वो महत्वपूर्ण अपडेट आप हम तक पहुँचा रहे हैं, लगातार नजर बनाए रखी। जैसे ही लालू परिवार वहाँ पर वोटिंग के लिए पहुँचेगा वो तस्वीरें और अपडेट आपसे हम लेंगे। मिर्ज़ापुर से जो उम्मीदवार हैं अनुप्रिया पटेल, उन्होंने भी वोट डाला और उन्होंने इस दौरान क्या कहा, जरा सुनिए। 4 जून का इंतजार करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इड्डी गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा और देश में तीसरी बार फिर एक मजबूत सरकार बनेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार की हैट्रिक लगेगी। दोनों की दोनों सीटें मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, अपना दल 100% स्ट्राइक रेट कायम रखेगा। एनडीए गठबंधन ने जो अपना लक्ष्य तय किया है 80 की 80 सीटें हम जीत कर देश की सरकार बनाएंगे। इस बीच मोहित मल्होत्रा का भी रुख कर लेते हैं, चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित बताइए वहां पर किस तरीके के मुद्दे प्रभावी आपको नजर आ रहे हैं जिसके आधार पर जनता वोट करने निकली? देखिए, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ के अलग मुद्दे हैं और लेकिन 10 साल से बीजेपी यहाँ पर लगातार काबिज़ है, तो इस बार क्या अपनी सीट बचा पाएंगे बड़ी चुनौती है। और एक और मज़ेदार बात यह है कि चंडीगढ़ में तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर इंडिया अलायंस गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जैसे ही आप पंजाब की सीमा में दाखिल होंगे तो वहाँ पर समीकरण बदल जाते हैं, वहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के आमने सामने हैं।
इस वक्त संजय टंडन जो कि प्रत्याशी हैं बीजेपी के, वो यहाँ पर वोट डालकर आ चुके हैं और मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। और मनीष तिवारी फिलहाल क्या लुधियाना में उनका वोट है, चंडीगढ़ में उनका वोट नहीं है, और यही आरोप उन पर लगते रहे हैं कि वो बाहरी कैंडिडेट हैं। वो मनीष तिवारी अब तक ये साफ नहीं कर पाए हैं कि क्या वो लुधियाना में जाकर वोट डालेंगे, उसके बाद वो चंडीगढ़ पहुंचेंगे। मनीष तिवारी को लेकर भी जानकारी नहीं है, लेकिन ठीक है, बीजेपी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं यहाँ से संजय टंडन, वो अपना वोट यहाँ पर डाल चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बने रहे आप हमारे साथ, और जल्दी से हमें गोरखपुर का रुख करना होगा। हमारे सहयोगी कुमार कुंदन के साथ इस वक्त बीजेपी के कैंडिडेट और सांसद रवि किशन नजर आ रहे हैं। कुमार, ओवर टू यू। इस बार कोई मामला लीगल तो नहीं है? इस बार मामला राम राज्य का, इस बार मामला सत्य का, विकसित भारत का, सोने की चिड़िया बनेगा मेरा भारत, और मेरा भारत बहुत विराट बनेगा, और ये सत्य है। और हमारे निस्वार्थ संत वहाँ पर साधना में भी है, और आज मौसम भी देखिए यहाँ पे उन्होंने एकदम खुशनुमा कर दिया, वहाँ वो ध्यान में बैठे मोदी जी, और यहाँ हवा चल, देखिए मेरे बाल उड़ रहे हैं, देख रहे हैं आप? नहीं, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि मोदी जी जो ध्यान कह रहे हैं वो एक पब्लिसिटी स्टंट है। नहीं नहीं, वो सब प्रेत आत्माएं हैं, विपक्ष कहाँ है, देखो उनके अंदर भूत प्रेत है, उनको पता चले पिशाच है। इन लोगों को भगवा दिखा दो या मोदी जी का चेहरा दिखा दो, सबको एकदम मिर्गी आने लगता, कहाँ आता, इनके अंदर आत्माएं हैं, इनको जानना चाहिए विपक्ष को, इन लोगों को झाड़ फूक करवाना चाहिए अपनी आत्माओं का, या तो इन लोगों को भी मोदी जी के पीछे पीछे चलना चाहिए, तो इन लोग का शुद्धिकरण हो जाएगा। किसके नाम पे, मोदी के नाम पे, योगी के नाम पे, या आपके काम पे, लोग क्यों आपको वोट करें गोरखपुर में? देखिए, मोदी योगी जी के नाम पे ही वोट मिलेगा। हम लोग कितनों काम कर लें, हम लोग मोदी नहीं बन पाएंगे जीवन में। आदर में मोदी जी ने जीवन बदला, हम उनके पद चिन्हों पे उनके सैनिक की तरह चले। आज जो हमने 5 साल, हाँ ये है, मैं 5 साल यहीं रहा, कोरोना काल में ही रहा, फिल्मों का रोजगार शुरू कर दिया मैंने, जो कि कभी नहीं हुआ था, किसी सांसद ने अपना एक बिजनेस शुरू कर दिया, बम्बई से शिफ्ट हो गया, यहाँ का वोटर बन गया अपने परिवार के साथ, अपनी खुश, अपने एक बहुत आनंद वाली जिंदगी बम्बई की वो त्याग के यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें की। अब मैं टीवी पे क्या बताऊँ कि 500 प्रश्न पूछ के मैं नंबर 1 पार्लियामेंटेरियन हूँ इस उत्तर प्रदेश का, सबसे ज़्यादा ट्रेन ठहराओ, वंदे भारत, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सौगातें दी, नया एयरपोर्ट और 42 एकड़ का, 2650 करोड़ का एक सोनोली वाला रिंग रोड लाए हैं, महाराज जी ने जैसे आदेश किया निर्देश किया वैसे, अब जिससे पूरा 80 किलोमीटर का रिंग, ऐसे अनगिनत काम यहाँ पर किए हैं जिसको गिनवाने के लिए हमको। इंडिया गठबंधन आज बैठक कर रहा है, आप उस बैठक को किस तरीके से देखें? उल्टा होके बैठक करना चाहिए, तब हम सीरियस लेंगे, सीधा होके नहीं करेंगे, उल्टा सब लोग बैठेंगे तब हम उस पर कुछ टिप्पणी करेंगे। कोलकाता आपको ले चलते हैं, रविशंकर दत्ता वहाँ मौजूद है, चूंकि जिन 9 सीटों पर पश्चिम बंगाल की आज मतदान हो रहा है, टीएमसी का पारंपरिक गढ़ माना जाता है, कितनी आश्वस्त टीएमसी नजर आ रही है और कितनी कड़ी टक्कर वहाँ? देखिए, यहाँ पे जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये हाई प्रोफाइल बूथ है, अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी दोनों यहाँ पे वोट देने वाले हैं, तो ये जो 9 सीट में आज पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, तृणमूल का घर माना जाता है, तृणमूल यहीं से अपना जो लीड है वो ले सकता है, ऐसा तृणमूल कांग्रेस मान के चल रहे हैं, क्योंकि हर जो सीट है यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस कई लाखों से ज़्यादा लीड ले चुका है, लेकिन इस बार उत्तर कोलकाता में सुदीप बंदोपाध्याय और तापोस राय के बीच जो लड़ाई हो रहा है उसको लेके यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि तृणमूल से निकले हुए तापोस राय जो है वो इस बार उनको अच्छा यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, तो सुदीप बनर्जी के जो पार्टी के अंदर ही उनके खिलाफ जो आवाज़ उठ है उसको लेकर तृणमूल कांग्रेस चिंतित है, और बाकी के जो जो सीट्स हैं वहाँ पे तृणमूल का जय निश्चित है, ऐसा तृणमूल कांग्रेस मान के चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा ये जगह से अपना सीट्स निकलने की कोशिश कर रहा है, अगर 2-3 सीट यहाँ से निकल जाते हैं तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात है, ये बीजेपी ऐसा मान के चल रहे हैं, जिसमें से जादवपुर एक है, जिसमें से जयनगर एक है। बिल्कुल बिल्कुल, रविशंकर दत्ता बने रहे आप हमारे साथ, और डायमंड हार्बर सीट बहुत इंपॉर्टेंट, अभिषेक बनर्जी 2014 और 2019 में यहीं से जीत कर सांसद बने, एक बार फिर टीएमसी से वो चुनावी मैदान में हैं इसी सीट से। हमारे सहयोगी मोहित मल्होत्रा भी इस वक्त मुझे नजर आ रहे हैं और वो बात कर रहे हैं किसी नेता से। मोहित बताइए, आपके साथ कौन है और उनको आप कह रहे हैं कि वो बाहरी कैंडिडेट हैं? वो डिबेट वर्दी नहीं है, उनको उसके लिए थोड़ा सा उनको वो समझ चाहिए कि बात को कैसे करना है,
मुझे लगता है कि वो अभी I&B मिनिस्टर के टैग से नीचे नहीं उतरे हैं। जरा धरातल पर आएं, बराबरी पर बैठें, तब बात करें। आसमान पे उड़ने वाले आदमी के साथ आप डिबेट नहीं कर सकते, और उनको यहाँ पे जो है धरातल उनको मिली नहीं है। अभी ढूंढेंगे वो, अब नई कंस्टिट्यूएंसी ढूंढेंगे। आज वोट कहाँ डालेंगे, इस पर भी आपने सवाल खड़े किए। आप पूछ रहे हैं कि लुधियाना में डालेंगे कैसे। अगर एक आदमी सीरियस हो तो कम से कम वो सीरियसनेस में वो अपना वोट तो यहाँ बना के रखता। उनकी सीरियसनेस नहीं है, और उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए उन्होंने भी यही बात बोल दी कि ये इतने सालों से ये ऐसे मांग रहा था, हमने कहा चलो दे देते हैं। हमारे पास तो और भी बड़े अच्छे कैंडिडेट्स थे। उनके दूसरे नेता पंचकुला तक आए, उन्होंने हाथ तक नहीं मिलाया इनसे। अपने घर के अंदर ही उनका वजूद जो है वो खतरे में है, इसीलिए वो इधर उधर भी वो जगह ढूंढ रहे थे, दूसरी पार्टियों के भी दरवाजे खटखटा रहे थे। कहीं से सहारा नहीं मिला, यहाँ पर आए जहाँ पर उनके एड्स लगे हुए हैं। देखिए उनके एड्स के अंदर भी किसी अपने नेता को उन्होंने स्थान नहीं दिया, तो नेता जब जहाँ आए उन्होंने भी स्थान नहीं दिया। तो ये सब चीज़ जो है उनकी मानसिकता को दर्शाती है। पवन बंसल गायब रहे, वो पवन बंसल भी मनीष तिवारी के साथ खड़े नहीं हुए चंडीगढ़ में। वो उनकी पार्टी का इंटरनल मुद्दा है, लेट देम सॉल्व इट आउट। तो संजय टंडन बीजेपी के उम्मीदवार हैं चंडीगढ़ से, वो दावा कर रहे हैं कि जो 400 पार का नारा लेकर बीजेपी चली है उसमें कामयाब होंगे, और मनीष तिवारी को बाहरी कैंडिडेट बताते हुए दावा कर रहे हैं कि उनको बड़े अंतर से यहां से हराएंगे। चंडीगढ़ से कैमरन वीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9। बिल्कुल, तो देखिए मोहित मल्होत्रा चंडीगढ़ से बात कर रहे थे संजय टंडन से, और संजय टंडन बड़े लंबे समय से टिकट का इंतजार कर रहे थे। चंडीगढ़ वो सीट जहां से किरण खेर को 2014 और 2019 में टिकट दिया गया, वो जीती भी इस सीट से। एक सेलिब्रिटी फेस पर भरोसा किया बीजेपी ने, लेकिन इस बार 2024 में संजय टंडन को यहां से बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है।